हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडवर टेक। सो हमारा टॉपिक अभी है सीजर एंड कन्फिस्केशन। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में देखा इसेंशियल कमोडिटीज के ऑब्जेक्ट, देखा हमने सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 कैसे प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करेगी, ऑर्डर कैसे इशू करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के क्या क्या पावर्स हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कैसे अगर कोई इसेंशियल कमोडिटी कोई ऑर्डर कॉन्ट्रावीन करके किसी भी क्षेत्र में आ जाती है तो उसको सीजर और उसका कन्फिस्केशन का प्रोविजन क्या क्या है। तो आइए हम देखते हैं सीजर एंड कन्फिस्केशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। सेक्शन 6A कहता है सीजर और कन्फिस्केशन के बारे में। आप एक नॉर्मल नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में समझें सीज का मतलब क्या होता है। अगर कोई आइटम आपके विरुद्ध, आपके मन के विरुद्ध मैं आपसे ले लूं, मैं आपसे छीन लूं, तो उसको हम सीज की डेफिनेशन में शामिल करेंगे। ये हमारी डिक्शनरी मीनिंग है। तो एक्सप्रेशन सीज मीन्स टू टेक पोजेशन कॉन्ट्रारी टू द विशेस ऑफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी के ओनर हो बट मैं आपसे वो सामान आपके बिना परमिशन से ले रहा हूं। आप परमिट नहीं कर रहे हैं मुझे, आपका मन नहीं है देने का, लेकिन आपने कुछ ऐसा कॉन्ट्रवेंशन किया है कि गवर्नमेंट यहाँ पे सीज कर रही है। तो सीज का मतलब आप जानगे, बिना किसी पार्टी के विश के द्वारा उसकी सामान को ले लेना। अब कन्फिस्केशन क्या होता है? कन्फिस्केशन एक प्रोसेस है जिसके तहत कोर्ट डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी करती है, प्रॉपर्टी को खत्म करती है। जो प्रॉपर्टी सीज हुई है वो ही प्रॉपर्टी कन्फिस्केट होगी, उसी प्रॉपर्टी को खत्म किया जाएगा, डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। तो कन्फिस्केशन इज एन एक्शन पोस्टीरियर टू द सीजर ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज। मतलब कन्फिस्केशन तभी होगा जब पहले सीजर हुआ हो, कन्फिस्केशन सीजर के बाद में होगा, एक्शन पोस्टीरियर टू द सीजर। तो कोई भी आइटम सीज हुआ है तो उसके सारे चांसेस हैं कि वो कन्फिस्केट भी हो जाएगा। नाउ अगर कोई इसेंशियल कमोडिटी सीज होता है तो एक रिपोर्ट बनाई जाती है उस सीजर का, और उस रिपोर्ट को कलेक्टर को भेजा जाता है। एक डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर्स को पावर्स है, हमने देखा 2IA में दी गई थी, कलेक्टर को पावर्स मिली हुई हैं एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर। अगर कोई सीजर होता है, कोई सपोज कोई माल ले आता है ट्रक में डाल के जो कि एक लिमिट के पार है, उसने एक कोई ऑर्डर गवर्नमेंट का था, उसने उसको कॉन्ट्रवीन किया, तो उस केस में उसको सीज किया जाएगा, उसकी गाड़ी समेत, उसके माल को भी, उसकी गाड़ी को भी, और वो एक रिपोर्ट बना के कलेक्टर के टेबल पे रखा जाएगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में वो माल सीज हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को भेजा जाएगा। और कलेक्टर जो है ये भी डायरेक्शन दे सकता है कि उस सीज कमोडिटी को उसके सामने प्रस्तुत किया जाए, उसके सामने लाया जाए, और अगर वो सेटिस्फाइड होता है कि हाँ भाई अगर कोई सेक्शन 3 का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, जो कि सेक्शन 3 हमारा इश्यू ऑफ ऑर्डर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर्स पास किए थे उसका कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, तब वो साइन कर देगा कि इस चीज को कन्फिस्केट किया जाए। मतलब अब पूरी तरीके से इसको जब्त किया जाए, इसका अब इसको कुछ नहीं मिलेगा, अब प्रॉपर्टी इसकी इसको खत्म किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द कलेक्टर एंड अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1950। सो सीज्ड अलोंग विद एनी पैकेज, अगर उसमें कोई माल की पैकेजिंग हुई है वो पैकेजिंग भी ले ली जाएगी, अगर उस एसेंशियल कमोडिटी को किसी चीज से कवर किया गया है वो भी ले लिया जाएगा, और अगर कोई एनिमल व्हीकल या वेसल या किसी भी तरीके का कन्वेंस, गाड़ी घोड़ा कुछ भी यूज हुआ है, तो उस सारी आइटम को हम सीज करके कन्फिस्केट करने की पावर रखता है कौन? कलेक्टर्स। कलेक्टर के पास बहुत ज्यादा पावर सेक्शन 6A में मिली है। सो आई होप सीजर एंड कन्फिस्केशन का पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, सेक्शन 6A की बात आप समझ में आ गई। और एक बात, अगर कोई फूड ग्रेन्स या कोई एडिबल ऑयल सीड्स सीज हुआ है और उसका ऑर्डर कन्फिस्केशन का बनता है, फॉर सच फूड ग्रेन्स और एडिबल ऑयल सीड्स कैन नॉट बी मेड बाय कलेक्टर, हमें सेक्शन 6A ने कह दिया कि अगर कोई एडिबल ऑयल सीड्स सीज्ड होती हैं या कोई खाने का आइटम सीज्ड होता है, फूड ग्रेन्स, तो उसको कन्फिस्केट नहीं किया जाएगा, उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाएगा, वो ऑर्डर कलेक्टर नहीं पास कर सकता है, ये हमें सेक्शन 6A कहता है। और ओनर ऑफ एनिमल, अगर उस गाड़ी में जो सामान लाया गया था वो किसी एनिमल पे ले आया गया, या कोई गाड़ी व्हीकल वेसल या अदर कन्वेंस हो, तो उस ओनर को एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप फाइन पे कर दीजिए और अपना ये
गाड़ी घोड़ा जो है ये आप लेके जा सकते हैं। नॉट एक्सीडिंग द मार्केट प्राइस एट द डेट ऑफ सीजर इन लियो ऑफ इट्स कन्फिस्क, जो भी सीज हुआ है उसको मार्केट प्राइस देंगे और उसके बदले आपको वो चीज मिल जाएगा, आपको कन्फिस्केशन नहीं किया जाएगा, आपको सीज और कन्फिस्केशन से यहाँ पे आप बच जाएंगे। अगर वो तभी बचेंगे जब आपके पास कोई फूड ग्रेन्स या कोई एडिबल ऑयल सीज्ड हो, इसको दो छोड़ के नहीं है तो वो सीज और कन्फिस्केट दोनों हो जाएगा। यहाँ पे छूट दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि भैया फूड ग्रेन्स है वो हम आदमी के लिए जरूरी है, हम उसको ज्यादा देर तक रखेंगे तो वैसे ही खराब हो जाएगा। एडिबल ऑयल सीड्स है, ऑयल को ज्यादा देर रखेंगे लीकेज शुरू हो जाएगी। तो ये एक पेरिशेबल आइटम को मानते हुए गवर्नमेंट ने ऐसा सेक्शन 6A में लिखा है। नाउ इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस बिफोर कन्फिस्केशन, सेक्शन 6B कहता है कि अगर कोई भी एसेंशियल कॉमोडिटीज को कन्फिस्केट हो रही है, अगर कलेक्टर जो है उसको सीज करके कन्फिस्केशन ऑर्डर पास करने जा रहा है, साइन करने जा रहा है लेटर पे, तो वो उस ओनर को जो कि गाड़ी जिसकी है, जिसका सामान जो लेके आया है, उस ओनर को एक शो कॉज नोटिस देगा, पूछेगा उससे कि भैया आप कोई कारण बताइए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ऑडी ऑल्टरम पार्टम, उनसे पूछेगा कि आप पे कार्यवाही क्यों ना हो, आप इसका कारण बताइए। तो उसको सुनना अनिवार्य है सेक्शन 6B के तहत। कलेक्टर अपने मन के मुताबिक, अपने मन के ऑर्डर के मुताबिक उसको कन्फिस्केशन ऑर्डर नहीं पास कर सकता है। साफ साफ लिखा लिखा है कि बिफोर पासिंग एन ऑर्डर फॉर कन्फिस्केशन, तो ओनर ऑफ द एसेंशियल कमोडिटी पैकेज कवरिंग एनिमल व्हीकल वेसल और अदर कन्वेंस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन अ नोटिस इन राइटिंग इनफॉर्मिंग हिम ऑफ द ग्राउंड्स ऑन विच इट इज प्रपोज टू कन्फिस्केट द अबव गुड्स। उसको राइटिंग में देना पड़ेगा कि हम आपका माल इस पॉइंट का आपने उल्लंघन किया, इसलिए हम आपको इस सीज करके कन्फिस्केट कर रहे हैं, और उसका अपॉर्चुनिटी उसको देना पड़ेगा कि आप अपना बताइए कि आप पे क्यों कार्रवाई ना की जाए, आप अपने कारण बताइए कि आपने उस ऑर्डर का उल्लंघन सेक्शन 3 का क्यों किया। और ये आप नोट करिए कि अगर कोई भी कन्फिस्केशन का ऑर्डर पास नहीं होगा, अगर ओनर जो है प्रूफ कर देता है, कलेक्टर को सेटिस्फाई कर देता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का मोड यूज हो रहा है वो उसके बिना नॉलेज और बिना किसी भी तरीके का कनाइवेंस से हुआ है, मतलब बिना समझौते का उसका कोई माल लेके चला गया और उसने ऐसा किया है, उसका कोई भी नॉलेज नहीं था उस केस में, और अगर उसको नॉलेज भी था तो उसने सारे प्रिकॉशनरी नेसेसरी प्रिकॉशंस यूज किए कि वो उस चीज को रोक सके, अगर वो सेटिस्फाई कर देता है कलेक्टर को, तब उस केस में उसके सामान को कन्फिस्केट नहीं किया जाएगा, उस एसेंशियल कमोडिटी को कन्फिस्केट नहीं किया जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा एक राहत है, लेकिन उसको कलेक्टर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अपील अगेंस्ट कन्फिस्केशन, अगर कोई कलेक्टर सीज करके कन्फिस्केट कर देता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देता है, बट नहीं वो नहीं समझ में आता, सेटिस्फाई नहीं होता है, तो सेक्शन 6C के तहत ओनर जो है वो अपील कर सकता है उस कन्फिस्केशन ऑर्डर के खिलाफ। अगर वो दुखी है, एग्रीव्ड पार्टी है, और उसके सेक्शन 6A के अंदर उसने उसका माल सीज्ड हो गया है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को अपील कर सकती है विद इन 1 मंथ, 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द ऑर्डर। जिस दिन कलेक्टर ने कन्फिस्केशन के ऑर्डर पास किए उससे 1 महीना देखेंगे, उस ड्यूरेशन में ही आपको अपील कर देनी है स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। और 1 मंथ ही क्या होगा, नहीं, अगर कोई सफिशियंट कॉज है, अगर सफिशियंट कॉज है, अगर वो 1 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ लग गया उसको, तो वो अपना कारण बताएगा क्यों लगा, अगर सेटिस्फाई होते हैं तो उसका अपील को ग्रांट कर दिया जाएगा। द स्टेट गवर्नमेंट शैल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द अपेलेंट टू बी हर्ड एंड पास सच ऑर्डर एज इट मे थिंक फिट। स्टेट गवर्नमेंट ओनर को सुनेगा, अपेलेंट को सुनेगा, रेस्पोंडेंट को भी सुनेगा, और उस ऑर्डर को या तो कंफर्म करेगा जो कलेक्टर ने किया उसको ओके करेगा, नहीं तो उसमें कुछ संशोधन करेगा, मॉडिफाई करेगा, या तो उस ऑर्डर को भी कैंसिल करने का पावर रखता है स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न, और वो ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है। नाउ ऑफेंसेस बाय कंपनीज, अगर किसी कंपनी ने, कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में, अगर कोई कंपनी ने कुछ ऐसा कॉन्ट्रावेंशन किया है सेक्शन 3 का, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का, तो सेक्शन 10 कहता है कि उस केस में क्या किया जाएगा। सो सेक्शन 10 कहता है कि एवरी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब एक डायरेक्टर ही को यहाँ ज्यादातर ले लिया जाता है, अगर किसी डायरेक्टर ने कॉन्ट्रावेंशन किया है, या कोई भी पर्सन डायरेक्टर को छोड़ के जो रिस्पॉन्सिबल था बिजनेस कंडक्ट कराने के लिए, उसको गिल्टी माना जाएगा,
और उसको पनिशेबल भी माना जाए और उसके ऊपर केस चलेगा। हाँ, अगर उस पर केस नहीं चलेगा, अगर वो प्रूफ कर देता है कि बिना उसके कनाइवेंस या बिना उसके नॉलेज के ये काम हुआ है और उसने हर तरीके का ड्यू डिलीजेंस लिया कि मैं इसको रोक सकूं, अगर वो सेटिस्फाई कर पाएगा तभी उसके ऊपर ये केस नहीं चलेगा, अन्यथा उसको पनिशेबल माना जाएगा। कंपनी का मतलब सिर्फ कंपनी नहीं है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी फर्म हो एंड कोई भी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हो, उसको कंपनी माना जाएगा। एंड फर्म के केस में किनको माना जाएगा, फर्म के केस में पार्टनर्स पे कार्रवाई होगी, वहाँ कोई डायरेक्टर नहीं होता है, फर्म में पार्टनर्स होते हैं। तो आई होप सेक्शन 10 की बात आप समझ गए, ऑफेंसेस बाय कंपनीज, ऑफेंसेस एंड पेनल्टी। सेक्शन 7 कहता है कि भाई अगर कुछ भी ऑफेंस आपने किया तो उस केस में क्या फाइन क्या पेनल्टी होगी। सो एवरी ऑफेंस बोला गया है एक्ट में कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा, नॉन बेलेबल नेचर का माना जाएगा। आप अब आप समझ गए हैं कि ये एक्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस माना गया है। और कोर्ट अगर खुद कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस लेती है तो उसको ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर उसको खुद कोई रिपोर्ट दे राइटिंग में और रिपोर्ट पब्लिक सर्वेंट द्वारा आए और प्रेजेंस ऑफ मेंस रिया, मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड इज अ मस्ट, अगर वो खुद कार्रवाई करना चाहे तो कोर्ट कर सकती है। तीन तरीके की चीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसको पब्लिक सर्वेंट कोई रिपोर्ट दे रहा है, रिपोर्ट में कह रहा है कि आप इस पर कार्रवाई करिए, रिपोर्ट राइटिंग में हो और उसमें मेंस रिया प्रेजेंट हो, गिल्टी माइंड मतलब सोची समझी साजिश, उस क्राइम को उसने सोचा हो, उस केस में ही सेक्शन 7 अप्लाई होगा और उसको कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा। यहाँ पे ज्यादातर 3 महीने से 7 साल तक की सजा होती है, यहाँ पे मिनिमम 5,000 का फाइन भी लगता ही लगता है। अब एक केस काफी इंपॉर्टेंट केस आया, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1966 का केस है, नाथू लाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंस रिया और गिल्टी माइंड जो है वो एक इंग्रेडिएंट है किसी भी ऑफेंस का अंडर सेक्शन 7 ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। सेक्शन 7 हमारा ऑफेंस और पेनल्टी की बात करता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में, तो वो कहा गया कि मेंस रिया या गिल्टी माइंड किसी भी ऑफेंस का उसको पनिशेबल मानने के लिए गिल्टी माइंड होना बहुत ही जरूरी है, उसका इंटेंशनल, किसी ने इंटेंशनली कॉन्ट्रावीन किया हो ऑर्डर, सेक्शन 3 का जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया उसका किसी ने इंटेंशनल सोच समझ के कॉन्ट्रावीन करेगा ऑर्डर, तभी हम उसको एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट मानेंगे। अगर उसका कोई इंटेंशन नहीं था, उसके गलती से कॉन्ट्रावीन हो गई है, सपोज एक हमारा फार्मर है वो पढ़ा लिखा होता नहीं है, अगर उसने उसको नहीं पता कि कोई नोटिफिकेशन आई है और वो कोई माल ऐसा काम कर देता है जो कि सेक्शन 3 का उल्लंघन हो जाता है, तो उस पे केस नहीं फाइल हो सकता है, क्योंकि उसके पास मेंस रिया प्रेजेंट नहीं है, उसके गिल्टी माइंड नहीं है, उसका इंटेंशन नहीं था वो करने का। तो यही नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि इफ द डीलर डिड बिलीव बोनाफाइड दैट ही कुड स्टोर द फूड ग्रेन्स फॉर एग्जाम्पल विदाउट इंफ्रिंजिंग एनी ऑर्डर, देयर कुड बी नो कॉन्ट्रावेंशन अंडर सेक्शन 7। अगर किसी डीलर को लगता है कि वो कोई फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रख सकता है बिना सेक्शन 3 के ऑर्डर को इन्फ्रिंज किए हुए, तो वहां पे हम मां नहीं कहेंगे कि यहाँ पे सेक्शन 7 का कॉन्ट्रावेंशन हो, सेक्शन 3 का कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, ये सेक्शन 7 कहता है। और इस सेक्शन 7 को मोर प्रिसाइसली क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, मेंस रिया होना बहुत ही जरूरी है किसी भी एक्ट को यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटी के अंडर ऑफेंस मानने के लिए। कल्पेबल मेंटल स्टेट ये क्या है, सेक्शन 10 कैपिटल सी प्रोवाइड्स फॉर अ प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट व्हिच इंक्लूड्स इंटेंशन मोटिव नॉलेज ऑफ अ फैक्ट एंड द बिलीफ इन अ फैक्ट। कल्पेबल मेंटल स्टेट क्या है, अगर आप कोई कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं ऑर्डर का, आपको उसका इंटेंशन पता है कि आप करेंगे तो क्या होगा, आपका मोटिव है उसको करने के पीछे, कोई कारण छुपा हुआ है और आपको पूरी तरीके से उसकी नॉलेज है कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे क्या क्या हो सकता है, मेरे ऊपर कोई केस होगा कि नहीं होगा। इफ इट इज नाउ प्रोवाइडेड दैट इन एनी प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर द एक्ट which requires a culpable mental state on the part of the accused, the court shall presume the existence of mental state. भाई आपने कोई क्राइम कर दिया एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर, आपने कोई कॉन्ट्रावीन कर दिया सेक्शन 3 का, तो आप पे केस तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन क्या कल्पेबल मेंटल स्टेट आपका प्रेजेंट था, क्या आप इंटेंशन मोटिव नॉलेज के साथ आपने काम किया है, और ये कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि हाँ आपने मेंटल स्टेट आपका प्रेजेंट था, आप अपने पूरे दिमाग से किसी काम को किए हैं सोच समझ के,
और यस इट इज ओपन टू द एक्यूज टू प्रूव दैट ही हैड नो सच मेंटल स्टेट विद रिस्पेक्ट टू द एक्ट कमिटेड बाय हिम। हाँ कितने लोग हैं कह देते हैं कि भाई हमारा नहीं था, लेकिन उसको प्रूव करना पड़ेगा, प्रूफ करने के लिए उसको सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, उसको क्यों लग रहा है कि तुम्हारा मेंटल स्टेट उस समय नहीं था। सपोज कोई ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है तो वहां पे क्या होता है, कल्पेबल मेंटल स्टेट प्रेजेंट नहीं रहता है, तो लोग बच भी जाते हैं कि हमने नशे की हालत में ऐसा काम किया। तो यहाँ आपको कह रहा है कि आप पूरे होशो हवास में थे, आपका इंटेंशन था, मोटिव था, नॉलेज था, ये आप समझिए कि गिल्टी माइंड के साथ ये एडिशन है। गिल्टी माइंड और कल्पेबल मेंटल स्टेट दोनों होगा तभी हम आपको कमिट करेंगे कॉन्ट्रावीन करने के लिए ऑर्डर को। तो आई होप होल एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। अगर आपको पार्ट वन नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन में आप पा सकते हैं, और मैंने इसके ऊपर भी नोट डाल दिया, आपको ऊपर भी लिंक मिल सकता है फर्स्ट पार्ट में जाने के लिए। आई होप एसेंशियल कमोडिटीज वेरी मच क्लियर टू यू। थैंक यू, कीप लर्निंग।